राइट गया उस राजनीति में, आपने राइट वोट बैंक में आप उन लोगों को क्यों खींच रही हैं जिनका उससे कोई मतलब नहीं है। महबूबा मुफ्ती उन लोगों को क्यों खींच रही हैं जिनका नसरुल्ला से या उस आतंकवादी संगठन से कोई मतलब नहीं है, वो तो जश्न मना रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ मेरे देश के पॉलिटिशियन से है कि आपको अगर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है बोलने की, अपना ओपिनियन रखने की, तो आपका एक अपने देश के लिए कर्तव्य भी है कि आप किसी भी तरह की टेररिज्म की प्रशंसा ना। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अंबर जैदी मेरे साथ, अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, आ रही हूं सर आपके पास। जी देखिए, महबूबा मुफ्ती बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगी वो नेता हो सकती हैं, राजनेता हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो मौके का फायदा उठाकर उम्मा के इमोशंस का फायदा अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए उठाना चाहती हैं, तो ये मौके पे चौका मारना इसको कहते हैं। ये एक टेरर सिंपथाइजर के तौर पे आप देखें या किसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हसन नसरुल्ला को यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर हम उम्मा के तौर पर बात करें तो उम्मा का जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है वो सब एक साथ पूरे मुसलमानों को जोड़ता है। अगर ईरान और फलस्तीन या ये जो सारे पोलिटिकल जियोपोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ईरान की और इसराइल के बीच की बात है, उसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भारत के मुसलमानों को ये समझना होगा कि हम भारतीय हैं और जो कुछ भी ईरान में, लेबनान में, इसराइल में या फलस्तीन में कहीं पे भी घट रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। भारत एक नेशन के तौर पर इसराइल या फिर फलस्तीन में कहीं पे भी किसी के भी साथ कोई भी घटना हो रही है या फिर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, भारत हमेशा साथ में खड़ा आया है। लेकिन आप इस तरह से सड़कों पे उतर कर आते हैं, इस तरह से मातम करते हैं, हमारे जब फौज के कोई जवान या फिर हमारे जनरल शहीद होते तो इस तरह से मातम नहीं होता। आप जो विदेश के इस तरह के जो मिशनरीज के लीडर्स होते हैं, चीफ्स होते हैं, उसके लिए आप मातम करते थे, तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है उसमें बहुत बड़ी त्रुटि है जो पूरी दुनिया देख रही है। और अब मुसलमानों को यह समझना होगा कि हमें अपने देश की बात, अपने डोमिसाइल की बात करनी होगी। अगर आप इसमें और इस वक्त बदलाव नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, एक सिविलाइजेशनल वॉरफेयर चल रहा है और ये हाई टाइम है कि मुसलमानों को समझकर अपने फंडामेंटल्स को करेक्ट करना होगा। अब जहां के वहां बन के रहिए, अगर आप उम्मा है तो फिर आप एक हो जाइए, क्योंकि पूरी उम्मा 180 करोड़ होकर 75 लाख जूस पे, किस तरह से 75 लाख जूस उन पे 180 करोड़ पे हावी पड़ गए। अगर आप में इतना दम होता ना तो आप जूस को हरा गए होते, और आज आप जूस को उकसाकर आप पूरी उम्मा को उकसाने के लिए आप कहते हैं कि आप सड़क को भी आ जाइए। आप क्या चाहते हैं? जो अमर आ रही हूँ वापस आपके पास, अहमद अयाज साहब, आप देर से जुड़े इसलिए मैं देरी से आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहूंगी सर। मेरा सवाल ये है कि हिजबुल्ला का चीफ मारा गया, उसको लेबनान में मारा गया, उसको इसराइल ने मारा, भारत में उस पर वोट बैंक की राजनीति क्यों? नहीं, ये भी हो सकता है कि किसी हद तक राजनीति भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ तक फलस्तीन और ईरान का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान के रिलेशंस इन दोनों ममालिक के साथ ठीक है, और चूंकि ईरान से ये मामला जुड़ा हुआ है जहाँ तक हसन नसरुल्ला का ताल्लुक है, तो ईरान में कोई भी डेवलपमेंट हो या फलस्तीन में ऐसी कोई डेवलपमेंट हो, स्वाभाविक है कि यहाँ जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है और ख़ास तौर और इसके अलावा शायद हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं उनके ऊपर भी शायद इसका एक मोमेंट हो जाएगी, एक एहसास होगा, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ईरान एक बड़ा एक इस्लामिक जमहूरिया है, तो मैं जम्मू कश्मीर की बात कहूँगा क्योंकि मेजॉरिटेरियन स्टेट है मुस्लिम्स की, तो इसलिए यहाँ उसका ज़्यादा असर होगा। और यहाँ मानने वाले भी ईरान के जो वहाँ का सेक्ट है, जो शिया तबका है वहाँ पे, तो कश्मीर में भी उसके ज़्यादा मानने वाले हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ शियाज बल्कि सुनीज भी मुश्तरक तौर इसका समर्थन करेंगे, हिजबुल्ला का करेंगे नहीं करेंगे, ये जो हसन नसरुल्ला है उसका डायरेक्ट करें या ना करें, सर मेरा कनेक्शन क्या है, मैं क्यों करूंगा उसका सपोर्ट, मैं क्यों नसरुल्ला का सपोर्ट करूंगा, मैं क्यों हिजबुल्ला का सपोर्ट करूंगा, उसने मेरे देश के लिए, इंसानियत के लिए ऐसा क्या किया है कि आप और मैं इस समय 2 मिनट का व्रत करें?
दो मिनट का मौन करें, भाई कोई रीजन होना चाहिए ना रिस्पेक्ट देने के लिए। और आपने एक बात और कही अहमद साहब, आपने कहा कि उसका असर जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है या पड़ता है। सर पड़ता नहीं, अब उसको पढ़वाने की कोशिश, पढ़वाने की कोशिश आप कर रहे हैं, अब ये पढ़वाने की कोशिश की जा रही है। अनसक्सेसफुल, शायद जम्मू कश्मीर के लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता ज्यादा। ठीक है, एक आतंकी मारा गया, खत्म हो गया, लेकिन अब उस तरफ अट्रैक्ट करने की, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है अहमद साहब। नहीं, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है किसे? कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और ईरान, या जो शिया कम्युनिटी है हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में, ईरान के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहीं भी अगर ईरान किसी भी चीज़ ऐसे चीज़ का सपोर्ट करेगा तो नेचुरली उसके मिलाप में उसमें हाँ से हाँ मिलाया जा सकता है, क्योंकि ईरान का मामला है और फलस्तीन का मामला है, और चूंकि हिंदुस्तान के भी रिलेशंस इन दो ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा स्ट्रेन रिलेशन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ का जो बाशिंदा हो मुसलमान कि वो हिचकिचाहट करेगा ऐसा कोई सपोर्ट करने में जहाँ ईरान किसी बात को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो इस्लामिक जमहूरिया माना जाता है, और वही फलस्तीन पर की कोई बात हो तो जरूरी बात है कि कुछ न कुछ असर पड़ ही जाएगा, यह मानने वाली बात। कर्नल सिंह कुछ कह रहे हैं सर? जनाब मैं आपसे कह रहा हूं, ईरान के लिए मेरा दिल भी है, हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा पोर्ट चलाने वाले हैं, प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर है, शेयरिंग के ऊपर है, केयरिंग के ऊपर है, बट दैट डजंट मीन के जो हिजबुल्ला कर रहा है वो मैं यहां पर बैठकर सपोर्ट करूं। और बाय द वे, क्यों आप लोग क्यों अपने देश को बदनाम करते हो हर चीज में मुसलमान लाके? इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मुसलमान। इंडिया का स्ट्रेट क्लियर कट सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह का टेररिज्म दुनिया में कहीं पर भी है उसका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए कि वो टेररिज्म इलिमिनेट होना चाहिए, मेरे देश में भी, किसी के भी देश में, क्योंकि अपने आप में टेररिज्म ने ना आपको कुछ अच्छा दिया है, और अगर आप होप कर रहे हैं कि 4 वोट ज्यादा मिलने वाली है तो वो उसमें भी आप गलत हैं। इसका मतलब कोई वोट नहीं कर रहा आपको। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर ईरान ने कुछ गलत किया है, ईरान ने अगर हिजबुल्ला जैसे संगठन को खड़ा किया है, उसको मजबूत किया है, तो उस स्थिति में भी हम ईरान का समर्थन करें जब वो टेररिज्म को बढ़ावा दिया या हिजबुल्ला जैसे संगठन को मजबूत करे। भाई इतना बड़ा, इतना बढ़िया एग्जाम्पल सामने है कि पैलेस्टीन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन हमास को नहीं, लेकिन हमास को हम नहीं करते। वापस लौट रही हूँ, बड़ी खबर है इस बीच मेरे पास। एक इसराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान में तबाही मच गई है। IDF ने एक साथ कई ठिकानों पर हमले किए हैं और उन हमलों की तस्वीरें भी लगातार जारी की जा रही हैं। इसराइल की ओर से जो हमले दक्षिणी लेबनान में किए जा रहे हैं, दक्षिण लेबनान वो एरिया है जहां पर हिजबुल्ला के आतंकवादी हैं, और इन्हीं जगह को टारगेट करके, इन्हीं जगह को चिन्हित करके इसराइल ने हमले किए। और